अकाउंट बंद कर दिया टिकटॉक वालों ने। अली का जब से अकाउंट ना बैन हुआ है ना, अली ना खा रहा है ना पी रहा है। अली खाना खा लो, मैंने खाना बनाया, सारा कुछ बनाया तुम्हारे लिए, प्लीज खाना खा लो यार। मैं बाद में खा लूंगा। ना तुम उठ रहे हो ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ तब से ही तुम सोए हुए हो, 4 दिन से सोए हुए हो। यार मेरा अकाउंट पता नहीं कब आएगा, समझ नहीं आ रहा। टिकटॉक वालों ने मेरा अकाउंट बैन कर दिया है। खाना क्या कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा यार, बड़ा परेशान। आपको क्या लगता है हमारा अकाउंट आ जाएगा? बस बात तो की है, अपील शपील भी करवाई है बहुत, लेकिन पता नहीं क्या इशू है, क्या बुराई छाई हुई है, समझ नहीं आ रहा। किसकी बदवा लग गई, फॉलोवर्स मेरे बढ़ रहे थे ना, बहुत टॉप फॉलोवर्स बढ़ रहे थे, आए दिन 1 लाख, 2 दिन बाद 1 लाख, ऐसे बढ़ता ही बढ़ता था मेरा ना। तो शायद इसमें भी हमारी भलाई है, लेकिन अली ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसे, हमारी तो कोई वॉल्यूशन नहीं है खास, कुछ भी नहीं है, तो क्या मतलब? वॉल्यूशन है, एक वॉल्यूशन है हमारी, पाकिस्तान का झंडा। 14 अगस्त को जो वीडियो डालती थी, सनरूफ में गाड़ी चला रहा था, आपने सनरूफ उठाया हुआ, सनरूफ के चढ़े हुए थे और झंडा उठाया हुआ था पाकिस्तान का झंडे से, वो हमारा अकाउंट बैन हुआ है और पाकिस्तान में ही टिकटॉक चल रहा है। समझ नहीं आ रहा कि मेरे से दुश्मनी थी या कुछ समझ। मुझे तो यकीन है, अल्लाह पे मुझे भरोसा है कि हमारा अकाउंट आएगा, मुझे यकीन है, क्योंकि ऐसी खास वॉलेशन भी नहीं है ना। मेरा अकाउंट बंद कर दिया टिकटॉक वालों ने। मेरी क्या दुश्मनी थी किसी से, 20 मिलियन अकाउंट था मेरा, फॉलोवर्स 20 मिलियन थे। कितना रहोगे अली? अली तब इतने दिन से रोए जा रहे हो। पता नहीं यार मैंने क्या बिगाड़ा था लोगों का, समझ नहीं आ रहा क्या बिगाड़ा था मैंने अपने अकाउंट से, ऐसा क्या किया जो मेरे अकाउंट पे रिपोर्ट मार मार के मेरा अकाउंट ने बंद ही करवा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा यार मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे अकाउंट को रिपोर्टें मार के फिर वार्निंग पे डाल दिया, उसके बाद वॉलेशन 1 डाल दी, उसके बाद फिर बंद ही कर दिया मेरा अकाउंट। अपील की मैंने टिकटॉक वालों से, टीम से, बहुत कुछ किया मैंने, क्या बिगाड़ा था यार मैंने किसी का है। 4 दिन से खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया, 8 साल की मेहनत थी तुम्हारी, 8 साल की मेहनत ऐसे कैसे हो सकती है? इतना अकाउंट को बनाने के लिए स्ट्रगल, मेहनत, सारा कुछ 1 सेकंड में चला गया। मेहनत मैंने बहुत की थी, मुझे याद है मैंने कितनी मेहनत की। 2017 से मैं लगा हुआ था अपने टिकटॉक पे, जब टिकटॉक का नाम भी म्यूजिकल ही होता था, और मैं मेहनत करता था, ये कि मैं काम भी करता था 13 से 15 घंटे जॉब भी करता था, और टिकटॉक पे ना वीडियोस भी बनाता था, छुट्टी भी नहीं मिलती थी उस टाइम। इतनी मेहनत की थी मैंने, रात में वॉशरूम में जाके रिंग लाइट लेके जाता था। मुझे टाइम याद आता है कि एक एक, मैं तो यही कहूंगी कि अली, मैं तो यही कहूंगी कि आपके सारे फैंस कसम खुदा की अनबैन हैशटैग टिकटॉक पे चला दे। अभी भी अगर आप लोग अनबैन हैशटैग अली खान हैदराबादी, अली खान 110 ये लगाओगे, तो हो सकता है टिकटॉक टीम से जो ना वो मुझे सपोर्ट करें और मेरा अकाउंट वापस आ जाएगा। अनबैन हैशटैग लगाएं यार, सब लोग ना अली हैदराबादी हैशटैग चला दो अनबैन का, प्लीज। आप लोगों से इतनी सी अपील है अली की।
मेरा अकाउंट बंद हुआ है, मुझे पता है मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। मैं खाना पीना सब छोड़ दिया है क्योंकि मैं 20 मिलियन अकाउंट, आप सोचें जिसका 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स भी होते हैं ना, 5 लाख चलो 1 मिलियन लगा लो, वो भी अगर उसका अकाउंट बंद होता है तो वो अपने आप को मारने पे तुल जाता है। सही है, तो वो उस पर क्या गुजर रही होगी, जब मेरा 20 मिलियन है तो मुझ पर क्या गुजर रही होगी, आप लोग बताएं। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या मेरी दुश्मनी थी। सब लोग सपोर्ट करें बस। मैं चाहता हूँ बस मेरा अकाउंट वापस आ जाए, अभी भी चांस है वापस आ सकता है। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोग मुझे अनबैन हैशटैग बनाए एक जो पूरे फॉर यू टिकटॉक पे चले। इसलिए मैंने आज व्लॉग बना रहा हूँ कि आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ, रो रो के थक गया हूँ, तंग आ गया हूँ अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से तंग आ गया हूँ। जिसका सारा कुल जरिया ही टिकटॉक हो और उसके साथ ऐसा हो जाए, कसम खुदा की मेरी रोजी रोटी सब यहीं से थी, मतलब यहीं से मैं कमाता था, यहीं से खाता था, अपना घर चलाता था, अपनी अम्मी अबू का घर चलाता था। समझ नहीं आ रहा यार, जिंदगी में पहली बार इतनी मैंने मेहनत की थी, पहली दफा इतना मैं कामयाब हो गया था, इतना आगे चला गया था, सिर्फ फॉलोअर्स ही थे यार मेरे ज़्यादा, और कुछ भी नहीं। मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, किसी से मेरी दुश्मनी नहीं थी, किसी से मेरे ऐसा कोई नहीं था कि यार किसी को मेरे से बू आए, नहीं भाई मेरी दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बस आप कुछ लोग कहते हैं एटीट्यूड वीडियोस ये वो, तो यार एटीट्यूड वीडियो सिर्फ एटीट्यूड साउंड तक रहती हैं। टिकटॉक पर एटीट्यूड वीडियो हर कोई बनाता है, सिर्फ मैं नहीं बनाता था। कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं कि आप में एटीट्यूड आ गया था, गरूर आ गया था, ये आ गया था। तकब्बुर से तौबा, अल्लाह माफ़ करे, मेरे अंदर तकब्बुर नहीं आया था भाई। वो वीडियोज़ कुछ ऐसी होती हैं जिन पर हमें एक्ट करना पड़ता है। तो आप लोगों को ये लग रहा है कि इसमें एटीट्यूड आ गया, नहीं, फॉलोअर्स मेरे ज़्यादा थे। मैं ये समझता हूँ अगर मेरे फॉलोअर्स से कोई जलता था, कोई जुलूस होता था, उसकी खून जलता था, तो वो अलग बात है। वो फॉलोअर्स मेरे इतने माशाल्लाह थे, अभी भी हैं, और इंशाल्लाह मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। बस आप लोग अनबैन हैशटैग लगाएं हर जगह पे, टिकटॉक पे, फॉर यू में, हर जगह पे लगाएं अनबैन टिकटॉक अली खान हैदराबादी, बस अली खान 110 जो मेरा अकाउंट नेम था ऐसे लगाएं।